नमस्कार, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 प्राइम में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रात के 9 बजने वाले हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी खबर से करते हुए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जोधपुर की पर्ची खोलते नजर आए और बता दिया कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होनी है। पावर का देश नहीं है, रघुवर का देश है। और राजस्थान के पागलों, साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। बाबा ने खोल दी जोधपुर की पर्ची। जोधपुर में किसके सिर सजेगा ताज? जोधपुर में जय जय होने वाली है। धर्म विरोधियों की बांधेंगे ठठरी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जोधपुर में ऐलान कर दिया, राजनीति से धर्म नहीं बल्कि धर्म से राजनीति चलती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं में एकता के लिए बार बार राजस्थान आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। किसी भी मजहब के विरोधी नहीं है, लेकिन अपने धर्म के कट्टर भी तो है। इन कारण राजस्थान में भी हिंदुओं में एकता हो जाए, इसीलिए हम बार बार राजस्थान आ रहे हैं। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। उन्होंने लोगों के हिंदू धर्म में शामिल होने को लेकर कहा कि जो आ रहे हैं वो वैश्विक संस्कृति से जुड़ रहे हैं, जो हिंदू धर्म में नहीं आ रहे हैं वो मानव कल्याण के लिए घातक है। जो आकर्षित हो रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक ऐसी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। सनातन का मतलब कोई एक मजहब नहीं है, सनातन का मतलब विश्व की धारणा, सनातन का मतलब मानवों की आचार संहिता, सनातन का मतलब विश्व के कल्याण की कामना की संस्कृति से जुड़ना। मेरे जोधपुर के पागलों, हम ना तो राजनीति के कारण आए ना राजनेता के कारण आए, हम तो तुम्हारी श्रद्धा और निष्ठा के कारण आए हैं। इन संतों के कारण आए हैं, हम तो भक्ति के कारण आए हैं, हम तो राम लला के कारण आए हैं, हम तो राम राज्य के कारण आए हैं, हम तो हिंदू राष्ट्र के कारण आए हुए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि फिलहाल आचार संहिता चल रही है, बाद में आएंगे तो कथा भी सुनाएंगे और धर्म विरोधियों की ठठरी बांधेंगे। उन्होंने जोधपुर की पर्ची को लेकर कहा कि भारत आगे बढ़ रहा है, जोधपुर में भी जय जय होने वाली है। हमको गजन जी बहुत अच्छे सज्जन है, वो बढ़िया प्रसाद पवाने आ गए, बोले गुरु जी प्रसाद पालो। गजन सिंह कावक जी आ गए, उनका आशीर्वाद प्रसाद पाया। फिर जल्दी जल्दी हमने कहा देर ना हो जाए तो जल्दी आ जाए। अब हम जो है मंच पर आ गए हैं, अब हनुमान जी के ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ लोग तो पर्चा के चक्कर में आए हैं। बाबा आया है, पर्चा निकालेगा, बाप का नाम बताएगा। हाँ, हमारे मन की बात है, लुगाई के बारे में बताएगा। हाँ, लेकिन हम तुमसे ज्यादा बदमाश निकले। तुम आए पर्चा के चक्कर में, हम हनुमान जी की चर्चा पकड़ाएंगे। पूछा क्यों? पर्चा से तो कुछ लोगों का भला होगा, बागेश्वर हनुमान जी की चर्चा से तो जितने आए हैं उनका भला होकर के ही रहेगा। रामनवमी महोत्सव में शामिल होने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जोधपुर पहुंचे थे। इस दौरान वीएचपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। शास्त्री ने कहा कि सनातन के लिए जिएंगे और सनातन के लिए मरेंगे। अब बहुत जल्दी कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। अब बहुत ही जल्दी ठाकुर जी भी विराजमान होने वाले हैं, एक कथा भी सुनाएंगे और धर्म विरोधियों की ठठरी मारेंगे। जोधपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि भारत बाबर का नहीं रघुवर का देश है, किसी के विरोधी नहीं है पर अपने धर्म के कट्टर भी तो हैं।
हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं है, लेकिन अपने धर्म के कट्टर भी तो है। और अब ये खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह के गौमांस खाने वाले आरोप पर बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने पलटवार किया। कंगना ने कहा कि उनके बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वो लाल मांस का सेवन नहीं करती। कंगना का ये बयान विक्रमादित्य की उस फेसबुक पोस्ट के बाद आया है, जिसमें विक्रमादित्य सिंह ने उन पर गौमांस खाने का आरोप लगाया था। देखिए रिपोर्ट। बीफ खाने के आरोप पर भड़की कंगना, विक्रमादित्य सिंह के आरोप पर पलटवार। आरोपों को कंगना ने बताया आधारहीन। हिमाचल की सियासत में गरमाया मुद्दा। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत इस वक्त सुर्खियों में हैं। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट में कंगना रनौत पर बिना नाम लिए बीफ खाने का आरोप लगाया। विक्रमादित्य सिंह ने लिखा, हिमाचल देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, देव भूमि है, यहाँ गोमांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़े, यह हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है, जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। जिस पर अब मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने पलटवार किया है। कंगना ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, मैं बीफ या किसी अन्य प्रकार के लाल मांस का सेवन नहीं करती हूँ। यह शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरी तरह से आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं सालों से यौगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली का प्रचार कर रही हूँ। अब ऐसी रणनीतियाँ मेरी छवि को धूमिल करने के लिए काम नहीं करेंगी। मेरे प्रशंसक मुझे जानते हैं और वे जानते हैं कि मैं गौरवान्वित हिंदू हूँ। कोई भी खबर या अफवाह उन्हें कभी गुमराह नहीं कर सकती। जय श्री राम। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अब तक इस सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। विक्रमादित्य सिंह की माँ प्रतिभा सिंह मंडी से कांग्रेस की सांसद हैं। जानकारों के मुताबिक प्रतिभा सिंह फिर मंडी से कांग्रेस की प्रत्याशी बनाई जा सकती हैं। इसलिए विक्रमादित्य सिंह कंगना रनौत को लेकर हमलावर हैं। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। जेपी नड्डा ने कहा कि घर में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है। तो वहीं भ्रष्टाचार को लेकर भी जेपी नड्डा ने कड़ा प्रहार किया और विपक्ष को जमकर घेरा। देखा होगा, आप गंगानगर के रहने वाले हो, बॉर्डर का इलाका है, आप जानते हो पाकिस्तान का किस तरीके से आक्षेप हमारे यहां रहता था। लेकिन पाकिस्तान के बारे में यूपीए की सरकार मूक दर्शक रहती थी, कोई हिसाब किताब नहीं करती थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अगर उरी में कोई घटना घटी तो 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से घर में घुस करके पाकिस्तान को सबक सिखाया, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आप बताइए, जेएमएम ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, ये गठबंधन ये घमंडिया गठबंधन का पार्ट है, इसने घोटाला किया कि नहीं किया? लैंड का घोटाला किया कि नहीं किया? आम आदमी पार्टी ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आम आदमी पार्टी ने दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सब घोटालेबाज एक साथ इकट्ठा आ गए हैं। ये है घमंडिया गठबंधन, ये है भ्रष्टाचारियों को बचाने का गठबंधन। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी कई मायनों में ऐतिहासिक होगी। करीब 500 साल के बाद रामलला का भव्य जन्मोत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। रामनवमी का खास आकर्षण रामलला का सूर्य तिलक होगा। रामनवमी के दिन दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी, जिससे उनका सूर्य तिलक होगा। रामलला के मुख पर सूर्य की किरणें करीब 4 मिनट तक रहेंगी। फिलहाल वैज्ञानिक रामलला का सूर्य तिलक करने की तैयारी में लगे हैं।
और इसके लिए राम मंदिर में उपकरण लगाए जा रहे हैं, जल्द ही इसका ट्रायल भी किया जाएगा। वे मंदिर बन रहा था कि निर्णय हुआ था कि रामनवमी के दिन भगवान के जन्मदिन के ऊपर सूर्य तिलक भगवान को जन्म के दिन समय होना चाहिए दोपहर में 12 बजे। तो उसके लिए जो उपकरण हैं जिनके माध्यम से सूर्य का प्रतिबिंब भगवान के मस्तिष्क पर पड़ेगा 4 मिनट के लिए 12 बजे, उसकी तैयारी हो रही है और उसकी फिटिंग हो रही है। ऐसा है कि जो मंदिर बन रहा था तो उसी में ये तय हुआ था, वैज्ञानिकों ने और इंजीनियर्स ने कहा था कि ठीक रामनवमी के दिन भगवान का सूर्य तिलक होगा जन्म उत्सव के समय पर, जन्म के समय पर। तो उसके लिए जो उपकरण जरूरत है, सूर्य के प्रतिबिंब को किरण को लेकर के रिफ्लेक्ट के द्वारा भगवान के मस्तिष्क पर पड़ने के लिए वो तैयारी हो रही है, वो लग रहे हैं। और ठीक 12 बजे जब भगवान जन्म होगा तो सर्वप्रथम सूर्य भगवान जो है वो 4 मिनट भगवान के मस्तिष्क पे अपना आशीर्वाद देंगे, उनके मुख मंडल पर शुभ प्रकाशमान करेंगे। और मध्य प्रदेश में एक जगह ऐसी है जहां भूतों का मेला लगता है। अगर किसी पर भूत या बुरी आत्मा का साया हो तो यहां आकर कुंड में स्नान करना होगा और फिर भूत प्रेत वाली आत्माओं से छुटकारा मिल जाएगा। अब इसे आस्था का ही अंधविश्वास, लेकिन यहां भूतों का मेला जरूर लगता है। ये रिपोर्ट देखिए। एक शहर जहां लगता है भूतों का मेला। एक डुबकी कभी पास नहीं आएगा भूत। कुंड में डुबकी भाग जाती है बुरी बला। महाकाल नगरी में भूतों का मेला। जी हाँ बाबा, महाकाल की नगरी में भूतों का मेला लगता है। महाकाल मंदिर के पास कलिया देह महल नाम से प्रसिद्ध बावन कुंड है। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन यहाँ भूतों का मेला लगता है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन यहाँ स्नान करने से प्रेत बाधा और बुरी शक्तियों का साया दूर होता है, इसीलिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। चलिए, तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।